वेलकम दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हाँ, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने असेंबली में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पे रेजोल्यूशन पास किया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि अभी अभी असेंबली से आ रही है, जहां ये पता लगा है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने NRC पर रेजोल्यूशन पास किया है। इससे पहले जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे हुआ था। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर रेजोल्यूशन पास करने वाले नामों में से कुछ स्टेट्स के नाम है केरला, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, लेकिन इस बार बिहार ने NRC पर रेजोल्यूशन पास करके अपने आप को इंडिया का पहला स्टेट बना लिया है जिसने NRC पर रेजोल्यूशन पास किया है। आप लोगों में से जो लोग भी मेरे चैनल को बिहार से फॉलो करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने साथ ही साथ NPR पे भी बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि NPR में होने वाले कुछ सवालों को वो हटा देंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं NPR में भी कुछ सवालों को ऐड किया गया था, तो नीतीश कुमार के बयान के मुताबिक उन 7 से 8 सवालों को NPR से वो हटा देंगे। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में और भी स्टेट्स NRC पर अपना रेजोल्यूशन पास करें, क्योंकि CAA पे रेजोल्यूशन पास करने का मतलब ये होता है कि आप NRC के साथ हैं। लेकिन अगर NRC पर रेजोल्यूशन पास करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हम किसी भी तरीके से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लागू नहीं करने देंगे, लोगों को लाइन में खड़ा नहीं होने देंगे, उनकी नागरिकता नहीं पूछेंगे, तो कम से कम उम्मीद ये की जा सकती है आने वाले वक्त में और भी स्टेट बिहार जैसा फैसला लें जैसा नीतीश कुमार ने लिया है, और अपने फैसलों पर कायम रहें। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।